बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सिक्स मरला हाउस का विजिट करवाएंगे जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूज़, ये घर डबल स्टोरी घर है, डबल यूनिट घर है और ये घर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल नहीं है। आप में से कोई भी अगर इसको ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो विजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आप इसका मेन डोर देख सकते हैं, इसको दो डोर दिए गए हैं। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का डोर है और ये इसके फर्स्ट फ्लोर का डोर है। तो फर्दर हम चलते हैं घर के अंदर। जी तो व्यूज़, आप इसका कारपोच देख सकते हैं, ये स्टेज फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए दी गई हैं। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं और ये इसके डाइनिंग रूम की एंट्रेंस है और ये जो है ये इस घर की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाउडर रूम भी दिया गया है स्टेज के नीचे और फर्स्ट फ्लोर चलते हैं इसकी मेन एंट्रेंस से घर के अंदर। तो ये आप इसका लिविंग एरिया देख सकते हैं, आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं और इसके बाद आप ये इसका देख सकते हैं यहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं, लाउंज है ये, टीवी लाउंज। और इसके बाद आप इसका डाइनिंग रूम देख सकते हैं, आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और ये डोर जो है ये पोर्च में ओपन होता है। अगर आप इसको सेपरेट यूज़ करना चाहें डाइनिंग रूम को तो आप यहाँ पर पार्टीशन करके इसको बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका किचन, ग्राउंड फ्लोर का किचन। तो ये व्यूज़ आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का किचन, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं इसका रूम जिसका वाशरूम जो है वो बाहर दिया गया। ये आप इसका वाशरूम बेडरूम देख सकते हैं। और अगर हम वार्डरोब की बात करें तो यहाँ पर वार्डरोब भी अवेलेबल है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका बाथरूम। तो ये आप देख सकते हैं इसका बाथरूम जो है वो सेपरेट से दिया गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका बेडरूम नंबर टू। तो ये आप इसका बेडरूम नंबर टू देख सकते हैं, आप इसका बाथरूम भी देख सकते हैं। और वार्डरोब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी टू डोर के साथ वार्डरोब अवेलेबल है। अगर हम इस फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही व्यूज़, ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चले मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ इसका ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है, इसका किचन है, बेडरूम नंबर वन और बेडरूम नंबर टू। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। व्यू जी आप देख सकते हैं इसका टेरेस। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन बनाया गया। ये इसका लिविंग एरिया है और इसके बाद आप इसका डाइनिंग रूम देख सकते हैं, आप इसका सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये आप इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन देख सकते हैं। और इसके बाद ये एक बेडरूम इसका सेम डिज़ाइन है ग्राउंड फ्लोर जैसा। और इसके बाद ये इसका बेडरूम नंबर टू। आप इसका बाथरूम भी देख सकते हैं। और ये इसकी वार्डरोब भी आप देख सकते हैं। तो व्यूज, इसके साथ ही इसका विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि ये घर सिक्स मरला पे बना हुआ है, डबल स्टोरी घर है, डबल यूनिट घर है और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी टू बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर पे भी टू बेडरूम दिए गए हैं। और व्यूअर्स, घर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर फजल टाउन में ये घर वाक़ है जो कि इस्लामाबाद हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है।
और इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो 110 है, 1 करोड़ 10 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। आप में से कोई भी अगर इसको ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।